ओके पीपल, वी वर डीलिंग विथ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स येस्टरडे, और इस चैप्टर में थोड़ा बहुत जो हमने कवर किया है उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे. तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमने देखा माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है, ठीक है ना. इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है भाई साहब. आपकी पूरी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे. आपको पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए तब जाकर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं. किसी इंडिविजुअल फर्म का नहीं, कलेक्टिव डेवलपमेंट अगर आपका होगा, ठीक है. स्टेप्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वॉट एवर द गवर्नमेंट एंश्योर्स एज स्टेप्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे कैन ओनली हैपन इफ यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी अच्छी खासी स्टडी हो जाएगी तब जाकर आपका पूरे देश का जो एक डेवलपमेंट है दैट वुड बी पॉसिबल, ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, तो नेशनल इनकम दैट इज NI, जिसका हमने थोड़ा बहुत पोर्शन कवर किया था. एस्टिमेट्स आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. अभी नेशनल इनकम में क्या क्या आता है, GDP आता है, GNP आता है, ठीक है. ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो नेशनल इनकम में आती हैं. नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज टू इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है. बाई कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड. एक पीरियड में, एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, तीन महीने में कितना GDP था, अगले तीन महीने में कितना GDP है, अगले तीन महीने में कितना GDP है, ऐसे हम क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करते हैं, हाफ ईयरली टू हाफ ईयरली कंपैरिजन करते हैं, या ईयरली टू ईयरली कंपैरिजन करते हैं. इससे हमको पता चलता है कि भाई साहब हमारा जो ग्रोथ है वो एक्चुअली में हो रहा है या नहीं, इफ देयर इज अ ग्रोथ एंड इफ देयर इज सब्सटैंशियल डेवलपमेंट एज वेल, ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पीरियड में प्रोड्यूस होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को हम बेसिकली कंपेयर करते हैं, ठीक है. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अभी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में हम स्टडी करते हैं. वेरिएबल्स मतलब आपके GDP, GNP, NDP, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं. दीज आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है. जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, दे विल सोलली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, सोलली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है. To understand the working of an economy, study of macroeconomic variables is important. Main economic problems are related to the economic variables such as behavior of total income, output, employment and general price level in the economy. तो total income कितना है भाई साहब, output, employment कितना है, कितना लोग employed हैं, and general price level क्या है economy की, ये सारी तमाम चीज़ें जो है तो discuss होती हैं, ठीक है. Level of employment, ओके. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी. तो क्या जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट क्या है एक इकोनॉमी में. ये सारी तमाम चीज़ें हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझ सकते हैं. ओके सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म, क्या हो गया भाई साहब ये, ओके. चूज द करेक्ट पेयर, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉफिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉफिट, मैक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम लॉर्ड केन्स, ठीक है. तो अगर आप देखोगे भाई साहब वन के साथ क्या होगा, बी. माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज अ कॉन्सेप्ट दैट वॉज प्रोपोगेटेड बाई अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है. ओके फिर टू के साथ भाई साहब क्या है, देखो डी. मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज प्रपोज बाई लॉर्ड केन्स, ठीक है. और फिर थ्री के साथ रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर, दैट वॉज बेसिकली प्रॉफिट भाई, एक एंटरप्रेन्योर का जो बिजनेस कर रहा है, जो पूरा पूरा बिजनेस को संभाल रहा है, उसके लिए रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट है ना, उसके लिए उसका प्रॉफिट रिवॉर्ड हो गया. पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम किसका है भाई साहब, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है. तो दीज आर बेसिकली द थिंग्स. ओके सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स. दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स explains determination of currency exchange rates of any two countries. दो countries में जो currency का, जैसे आप सुनते हैं ना dollar का value गिर रहा है, dollar का value बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपकी जो purchasing power of capacity है Indian rupees में dollar का conversion rate क्या चल रहा है, ठीक है. That is what is purchasing power. This branch of economics, कौन सी branch deal करेगी, micro या macro? मैक्रो, इट विल बेसिकली भी मैक्रो भाई साहब. दो देशों के बीच में करेंसी एक्सचेंज रेट
उन दो देशों के आपसी बिजनेस संपर्क पर डिपेंड करेगा, है ना। सो दिस ब्रांच ऑफ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स हो गई भाई साहब, आप यहाँ पे देश के लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करेंसी एक्सचेंज रेट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, है माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे होगा भाई साहब, ये गलत है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, दिस विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दिस मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। तो जैसे देखो बिजनेस साइकिल्स होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग साइकिल्स में बिजनेस चलते हैं, और इनसे क्या होता है भाई साहब, बिजनेस से जनरेट होती है इनकम, प्लस बिजनेस से जनरेट होती है एम्प्लॉयमेंट एज वेल, ठीक है, ओके। दिस मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या दिखाता है हमको, अंडर डेवलपमेंट या पॉवर्टी, एक देश अगर गरीबी से पीड़ित है, एक देश अगर अंडर डेवलप्ड है, तो कौन सी थियोरीज बेसिकली है, थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म फॉर द गिवन स्टेटमेंट, द थियोरी विच डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द नेशनल इनकम, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर द मतलब रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये सब किस में आएंगे भाई साहब, मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। दिस मेथड द मेथड विच एंगेजेस इन द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रैदर देन इट्स पार्ट, होल इकोनॉमी रैदर देन इट्स पार्ट, कौन सा मेथड हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेथड हो जाएगा कि नहीं, इसको हम बोलते हैं लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड मतलब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्लाइसिंग मेथड है, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, लंपिंग मेथड, होलसम आप पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, एक देश की इकोनॉमी में इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। चलो हम PYQs देखते हैं यहाँ पे अभी, ठीक है, ओके। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेर फर्स्ट यूज्ड बाय एडम स्मिथ, रॉबिन्स, रैगनर फ्राइस और मार्शल, सो इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय रैगनर फ्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम थियरी, ग्रोथ थियरी, प्राइस थियरी, एम्प्लॉयमेंट थियरी, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी बेसिकली प्राइस थियरी, ठीक है, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डैश इक्विलिब्रियम अप्रोच, पार्शियल, जनरल, टोटल, मल्टी वेरिएबल, तो आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है, रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर विल बी प्रॉफिट, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी, आपका आ चुका है भाई साहब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 में, ठीक है। तो इसमें आपके पूरे आंसर में जो की वर्ड्स होंगे और जो इलेबोरेशन होंगे, तो आपका यहाँ पे देखो आपका अग्री या डिसअग्री आता है, ठीक है, आपको भाई साहब अपने मनगढ़ंत नहीं करना है, आपको अग्री करना है या डिसअग्री करना है एज पर दी आंसर। यस आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, रीजन क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट ऑल्सो डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। कल मैंने आपको समझाया था जो आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोलते हैं, लैंड लगेगा कोई भी बिजनेस करने के लिए, लेबर लगा, लेबर मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बिजनेस में पगार लेते हैं जो लोग, ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल आपका 2 टाइप का होता है, वर्किंग और फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल मतलब आपकी मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो बारंबार वही प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है, व्हीकल्स हो गए। और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल, जो बड़ा एक में ही यूज हो जाता है, ठीक है, एक प्रोडक्शन साइकिल में ही जो यूज हो जाता है, जैसे फार्मर के सीड्स, फार्मर के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो वो यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो जो यूज हो जाता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब ये तीनों का जो पूरा संतुलन बनाए रखता है, तीनों को जो ऑर्गेनाइज करता है, लैंड, लेबर और कैपिटल को, उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं विच इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। लेबर और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस है भाई साहब, लेबर मतलब जो काम कर रहा है, और एंटरप्रेन्योर या आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वो काम करवा रहा है, ठीक है, ही इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट। हेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी, ठीक है, ये आपका भाई साहब आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में आ चुका है, 19 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउ यू शुड बी आंसरिंग दिस, द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स,
इन सारे पॉइंट्स को आपको इलैबोरेट करना है। पूरे स्लाइड में आपको इन सारे पॉइंट्स पे इलैबोरेशन मिल जाएगी, दो तीन लाइन की, जो आपको लिखनी है। ठीक है, क्या क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन, अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिजनेस डिसीशंस, फॉर्म्स बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। ये सारी चीजें भाई साहब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए अगेन बहुत ही रिपीटेड और कॉमन क्वेश्चन है। दीज आर क्वेश्चंस व्हिच यू शुड बी फोकसिंग ऑन, बिकॉज ये रिपीटेड क्वेश्चंस आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि इनकी फिर से आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, ओके, तो आप देखो यहाँ पे भाई साहब, द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग। इन सब पॉइंट्स को आपको इलैबोरेट करना है, ऐसा ही नहीं किसी पॉइंट्स लिख के चले आएंगे। चार मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा खासा आपको दो पेज का आंसर लिखना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट्स आपके होने चाहिए। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आपके भाई साहब पॉइंट्स आने चाहिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर्स, अगेन फोर मार्क्स का क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है देखो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, जनरल प्राइस लेवल, इनकम थियरी, ग्रोथ मॉडल्स, लंपिंग मेथड्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब हम एवरेज को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रोथ मॉडल्स क्या है, पूरा जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है या पूरा जो आपका पूरा जो देश का जो आर्थिक व्यवस्था की स्टडी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू, दिस चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड।